हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं करवा रही हूँ आपके क्या बोलते हैं RO AR का एग्जाम का टेस्ट, जो कि ये डिकोड एग्जाम का है। ये टेस्ट, इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन थे IAS के, GS वर्ड के, और बहुत सारे कोचिंग के मैंने करवा रखे हैं मैंने और सर ने। तो ये जो टेस्ट है, ये छठवां टेस्ट है जो कि डिकोड एग्जाम का है। बहुत अच्छा टेस्ट है, इसमें टेस्ट के साथ साथ आंसर भी आपको मिल जाएगा और बहुत बेनिफिशियल होने वाला। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन आप हमको कमेंट करिएगा और हम आपको टेलीग्राम अपना प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकोड एग्जाम का टेस्ट नंबर 6, जो कि जियोग्राफी का है। पांचवा टेस्ट भी जियोग्राफी का था, तो दो दो टेस्ट एक एक सब्जेक्ट के हैं। तो इसके पहले पॉलिटी का था, पॉलिटी के दो टेस्ट हो चुके हैं, और उसके उसके पहले भी जो हुआ पॉलिटी, और इस तरह से जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो दो दो टेस्ट सबके हैं। तो ये चलिए करते हैं टेस्ट नंबर 2, मतलब टेस्ट 2 है जियोग्राफी का और टेस्ट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं हम। 100 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ही है ना, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित, मतलब जिस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो कूट दिया गया। अब आंसर आप बताइए। तो वो जो है ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में। तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीन राज्यों में विस्तृत है। तो याद कर लीजिए, सीटें रट डालिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और नलमलाई। तो है कार्डामम की श्रेणी। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पर्वत, सॉरी दक्कन पठार, या इनमें से कोई नहीं। उसको कहा जाता है सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ताप्ती के मुहाने पर लेकर कन्याकुमारी अंतरी तय 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटक मंडक या ऊटी कहाँ पर स्थित है? कोडाइकनाल, पालनी मिकेर या फिर नीलगिरी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ऊटी बहुत फेवरेट जगह है भाई, मस्त। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटक मंडक जिसे ऊटी नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्हाई मुडी। पांचवा है, पश्चिमी घाट के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसके ऊपरी खंड में लावा मतलब बेसाल्ट तथा दक्षिण भाग में ग्रेनाइट और नीच चट्टानें मिलती हैं। तीसरा है, यह एक ब्रासोंस पर्वत है। कौन सा सही है इसमें आंसर? तो ये जो आंसर है सही है तीनों के तीनों। अगर आपको हिंदी में कठिनाई होती हो तो इंग्लिश भी दिया है, पढ़ सकते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने व दक्षिण में आंतरी तक पाया जाता है, मतलब दक्षिण कुमारी में। ये ब्रांसोस पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसमलन के कारण हुआ है। नेक्स्ट है छठवां, मिलान करना है छठवां। छठवां गारो, गारो कहाँ पाई जाती है? गारो खासी, तो गारो में खास मेघालय में। और मीरी जो है, मीरी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। और कोलाई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड। तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है गारो मेघालय गिरी अरुणाचल प्रदेश और गिरी मिल कोलाई मलाई तमिलनाडु डालमा झारखंड। सत्रह है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा, नदी नंदा देवी। तो गॉडविन आस्टिन जिसे केटू पहाड़ी भी कहते हैं, वो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गॉडविन आस्टिन केटू काकारा कोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर किसका पाकिस्तान का वैध कब्जा है? अठवा है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो वह है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम की और श्रेणी है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल टोरो या चोगो लुंगमा या बियाफो। तो वो जो है वो है सियाचिन।
ठीक है, हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन से हैं? सियाचिन, काराकोरम 75 किलोमीटर है, और किस पर काराकोरम में 61 किलोमीटर पर है, बियापो काराकोरम में 60 किलोमीटर पर है, बालतोरा काराकोरम में 58 किलोमीटर पर है, और चंगोलुगमा काराकोरम में 50 किलोमीटर पर है। दसवां है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है वो कहाँ पर है? तो सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में, और माउंट डियो वॉली कहाँ पे है? माउंट डियो वॉली ये है मध्य अंडमान में, और माउंट थुलियर जो है वे है निकोबार द्वीप समूह में, और माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में। तो ऑप्शन हो गया बी, यहाँ पर दिया है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, माउंट डियो वॉली मध्य अंडमान, और माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान, और माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान अवस्थित है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से, राकसताल से, नेपालीय चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से। तो ये चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। इसके अंतर्गत इसकी सहायक नदियां हैं कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सम्मिलित है। बरावा है निम्नलिखित में से सिंधु नदी की दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है जो बाएं तट से मिलती है? तो जास्कर, सेओक, कुर्रम, तोची। तो जास्कर। तो जो है सिंधु नदी की बाई ओर की, जो बाई ओर की जो सहायक नदी है वो जास्कर, स्याग, सिगार, गिलकिट है, और दाई ओर से स्याग, काबुल, कुर्रम, तोची, चिबिबोआ और संगर गोमल है। 13वां है निम्नलिखित में से कौन सही है? गोदावरी नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, और दूसरा पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता आदि इसकी सहायक नदी है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल केवल दूसरा सही है, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी सहायक नदी है। बाकी गोदावरी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा कहा जाता है, जो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है प्रवर, पूड़ा, माजरा, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती आदि है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सही है? गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर इसके किनारे बसे हुए हैं। तो ये जो है ये पहला दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के फुलड़ झील से निकलती है, इसके तट पर लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर बसे हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो वह है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो कि बंदरपुर से रेंज की इसके स्रोत है, और पश्चिमी ढलान पर समुद्र यमुनोत्री ग्लेशियर में भी यह प्रयाग में गंगा में मिलती है। 16वां है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो वह है मतलब 12 मील तक, तट से समुद्री 12 मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की कुल दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो समानता 12 समुद्री मील तक होती है। भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हैं? तो वह टोटल 9 है। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, जो है पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 18, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 7500 किलोमीटर, भारत की तटरेखा की लंबाई। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पंबा नदी, वैतरणा नदी, पेरियार नदी या भरत पूजा नदी। तो वह भरत पूजा नदी। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरत पूजा नदी, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो पंबा नदी केरल की छोटी नदी है। और भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो किसका है? तो वह है गुजरात का। ठीक है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा है गुजरात का 1214, और आंध्र प्रदेश का 973, और तमिलनाडु का 906। तो ये मिलान करना है जंजीरा। तो ठीक है, तो जंजीरा जो है महाराष्ट्र में है, उडुपी जो है उडुपी उडुपी है उडुपी कर्नाटक में है, उडुपी कर्नाटक में है। ओरोविलो जो है, ओरोविलो है तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन है तमिलनाडु पुडुचेरी के बीच। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो यहाँ पर दिया है जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, और ओरोविलो तमिलनाडु और पुडुचेरी है, और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु है। ठीक है, अब ये सागर है, पुलिन है, राज्य है, मिलान करना है ये भी।
तो ये जब होगा तो क्या होगा, कोलवा तट कहाँ होगा? कोलवा तट गोवा में, और बंगा राम तट ये लक्षद्वीप में, और गोपाल गोपालपुर कहाँ? उड़ीसा में, और मरीन तट कहाँ है? मरीना तट तमिलनाडु में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर दिया है कोलवा तट गोवा में, बंगा राम लक्षद्वीप में, गोपालपुर उड़ीसा में, मरीना तट तमिलनाडु में। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, उत्तरी सागर, तो है कोरोमंडल। तो भारत का पश्चिमी मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सागर एवं तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी कृष्णा डेल्टा एक विस्तारित है। 24वां, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका क्या होगा, पहले आपका मध्य प्रदेश होगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। तो ऑप्शन हो जाएगा, मैंने गलत बताया क्या? सही बताया, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कहाँ गया भैया, इनकी तो अलग ही दिक्कत है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, स्टक हो गया था। ये देखिए, पहले राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सही। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार क्षेत्रफल के आधार पर है ये, ठीक है। सोनभद्र जिलों का स्पर्श करती है चार राज्यों की सीमा, तीन राज्यों की सीमा, दो राज्यों की सीमा, पांच राज्यों की सीमा, तो करती है चार राज्यों की सीमा। तो पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। 26वां है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। पुडुचेरी चार अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से दो है कराईकल पुडुचेरी, तमिलनाडु के पास विस्तारित है, यनम आंध्र प्रदेश के पास माहे केरल के पास विस्तारित है। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य है और मुख्य भाषा है कोवा का गोवा, गोवा का कोंकणी है, मेघालय का खासी है, और नागालैंड का गामी है, सिक्किम का तिब्बती है। तो सिक्किम वाला गलत है, क्योंकि सिक्किम का क्या है, सिक्किम की राजभाषा है नेपाली, भूटिया और लेपचा है। और सूची एक को सूची दो से मिलान करना, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? टोडा तमिलनाडु, टोडा टोडा तमिलनाडु, और लेपचा सिक्किम, और बिरहोर झारखंड, और गारो मेघालय। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। तो ये रुद्रप्रयाग कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग मिलती है अलकनंदा मंदाकिनी से, नंदप्रयाग मिलती है, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग मिलती है अलकनंदा पिंडार से, और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से, और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी से, विष्णुप्रयाग अलकनंदा धौली गंगा से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है? आसवान, जाम्बेजी, हुबर, कोलोरेडो और करीबा नील, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा हुबर कोलोरेडो, ठीक है। तो बांध है, नदी है, तो ये आसवान नदी नील पर है, हुबर कोलोरेडो पे है, करीबा जो जाम्बेजी पे, भाखड़ा सतलज पे, नूरेक जो बक्स पे। 31 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो सोन नहीं मिलती यमुना से। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी यमुनोत्री की बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित होती है। 32 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक, सुबनसिरी, लोहित। तो कौन सी नदी बहती है? तो वह है दूसरा, तीसरा, मतलब सुबनसिरी और लोहित। तो लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। 33 है, प्रायद्वीपी भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण है, नर्मदा और तापी नदियां बिभ्रंस घाटी से होकर बहती हैं। तो कौन सा सही है?
तो इसमें ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। चौथी से कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, लोकापावनी, सीमसा व अर्कवती, और दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ और कबिनी और सुवर्गवती और भवानी और अमरावती। यह शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा प्रदान की है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। 35वां है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो उसका सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी और वैगई। इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं वो हैं ये इंद्रावती है, दूसरा प्रारिता है। तो ऑप्शन हो गया डी। तो गोदावरी नदी की प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 1465 किमी लंबी है। इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रारिता, पूड़ा, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ी में त्रंबक से हुआ है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वह है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। तो ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। 38 क्वेश्चन है। 38वां, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट, लवकुश बैराज और शारदा बैराज या रेहद। तो वो है राजघाट। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। 39 है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो वह निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, जमुनिया एवं बरकी आदि। एडन नहर जो है 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है। गिरडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे यह जैविक मरुस्थल बन गई है। सुमेलित कीजिए, कटक, गोदावरी, लुधियाना, शिप्रा, नासिक, महानदी, उज्जैन, सतलज। तो मिलान करना है तो कटक जो है महानदी से, और लुधियाना सतलज से, और नासिक गोदावरी से, उज्जैन शिप्रा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर दिया है महानदी कटक उड़ीसा से, सतलज लुधियाना पंजाब से, गोदावरी नासिक महाराष्ट्र, शिप्रा उज्जैन मध्य प्रदेश से है। 41 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्र प्रपात कावेरी पे सही है, चुड़िया जल प्रपात चंबल पे ये भी सही, जोग प्रपात कृष्णा, तो जोग कृष्णा पने सरावती पे है, और धुआंधार प्रपात नर्मदा पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सी होगा। यहाँ पर शिव समुद्र कावेरी, चुड़िया, चंबल, जोग, सरावती, धुआंधार, नर्मदा पे है। 42 है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों के साझेदार वाली झील है? तो वह है पुलिकट। तो पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कयाल क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है, कयाल क्या है? कयाल जो है वह केरल के लैगून। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाद कयाल आदि। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या है? वह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। शीत में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। 45 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। आम्र वर्षा संबंधित है, आमों की बौछार से आम का टपकना, आम की फसल, आम का पकना, तो वो है आम की फसल से।
आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफानों से फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरे टूट कर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। 47 है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो यह अवस्थित हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया है। 48 है, रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम रेगुर है। ठीक है, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़े, कपास मिट्टी आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र के साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्य क्षेत्रों में मिलता है। लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र मिलती है। लैटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपछालन से निर्मित होती है। भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु, छोटे उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर मेघालय, उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है बांगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसकी स्थिति बाढ़ की बहुत पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला और रक्ताभ भूरा पाया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तो जस्ता की कमी है भारतीय तत्व में। ठीक है, तो भारतीय मृदाओं में जस्ता की कमी है, भारतीय मृदाओं में प्रयुक्त सूक्ष्म तत्वों में जस्ता की सर्वाधिक कमी है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुर, तो वह है अम्लीय। ठीक है, चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल की निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। ठीक है, 53 है, फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, तो वह है मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए। और किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहां की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही यह कीट को नियंत्रण करने में मदद करती है। 54 का नंबर क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। 55 है, सागौन हिमालय की तराई, देवदार मध्य प्रदेश, सुंदरी सुंदरवन और सिनकोना हिमाचल प्रदेश के उच्च क्षेत्र, तो इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान करवाते हैं। तो सागौन जो है मध्य भारत में, और देवदार जो है कहाँ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में, और उसके बाद सुंदरी सुंदरबन में, सिनकोना हिमालय की तराई में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागौन मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, देवदार उच्च हिमालय में, और सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में, कुछ सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारी वृक्ष हैं, सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों में 70.8% द्वारा होती है, इसके बाद बिहार में होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, तो वह हरि के बैराज। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज में के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर होता है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानगर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। 58 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रहा है, तो यह कर रहा है माही बांध। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर माही बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्णय का विरोध कर रहा है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना जल प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, तो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नागल जो है बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशयों को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। तो अगला है कल्पोंग, कल्पोंग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये मिलान करना है, 1 मिनट। चलिए, कल्पोंग जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और माता टीला है बेतवा पर, और पंचमाद जो है, पंचमाद है
पंचमहल गोदावरी पे है, और मेट्टूर जो है वो है तमिलनाडु पे, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर कालपोन जो है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे, और माता टीला बेतवा पर, और पंचमहल गोदावरी पर, मेट्टूर तमिलनाडु पर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो यह चिनाब पर है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है, तो यह मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर। और पंचेट हिल बांध जो है दामोदर पर है, राणा प्रताप सागर जो है चंबल पर है, और माता टीला बेतवा पर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका किस में है, तो A4, A4 दोनों में है। तो बी जो है वन, B1 किस में है? B1 दोनों में है, ए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तिलैया बांध बराकर पर, पंचेट हिल दामोदर पर, राणा प्रताप सागर जो चंबल पर, माता टीला बेतवा पर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सभी से। तो सभी से है। तो इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से क्षेत्र संबंधित सभी क्रांति को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति आदि। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? कप्पा, मक्का, मक्का, अरब या सरसों, अरहर या सरसों? तो वो सरसों। ठीक है, रबी फसल है, बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च में हो अप्रैल में होती है, और गेहूं जो चना मटर सरसों मसूर तथा आलू इत्यादि है। 65 नंबर का क्वेश्चन, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, इनमें से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो गेहूं नकदी फसल में नहीं आती। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि आता है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की, तो वह गेहूं की। तो पूसा सिंधु जो है ये कौन सा है? पूसा सिंधु का एक प्रजाति है गेहूं की। तो हो गया अगला 67, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ फसल है? कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। तो खरीफ फसल इसमें से हम कपास, घी, मूंगफली, धान, गेहूं नहीं है, गेहूं रबी फसल है। ऑप्शन हो गया सी। खरीफ की फसलें जो है मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती है। पहले गर्मी में बोई जाती थी। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग और मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपासी, रागी, सोयाबीन आदि है। 68वां है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पड़ से, बीज से, तने से, मोल से, तो होते हैं बीज से। कपास भारत का देशज पौधा है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्में विकसित हुई है। 69 है, कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरहर, नीलम, मूंगफली, चंद्रा, मसूर, पंत L406, सरसों, करुड़ा। तो अरहर जो है नीलम नहीं होता है, नीलम जो है आम की प्रजाति होती है, बाकी सब सुमेलित है। और 71 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 72 है, मिलान करना है, जूट, जूट कहाँ का है? जूट जो है वो है पश्चिम बंगाल का, और चाय जो है असम का, और रबर जो है केरल का, और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन हो गया इसका ए। नेक्स्ट है लौंग। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से, पुष्पकली से। तो पुष्पकली से प्राप्त होता है, मतलब फ्लावर बड से। लौंग यूजिनिया कैरियो फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च, इलायची, लौंग, केसर। तो वह है काली मिर्च। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। केरल को मसालों का बागवान बागान कहा जाता है। 75 है, निम्नलिखित में को गलत कौन सा है? फसल है बीमारी का नाम है, गन्ना रेड रॉट, गेहूं रतुआ, ये सही है, और चावल का ब्लस्ट है, धान का स्टेन रॉट। तो स्टेन रॉट धान का नहीं है, स्टेन रॉट किसका है? तो जो है स्टेन रॉट जो है वो है अरहर का। यहाँ पर बाजरा का रगट है, मटर का बुकनी है, तो गेहूं का रतुआ है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? आम, अमरूद, केला, अनार। तो है अमरूद की। ललित अमरूद उन्नत किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ अमरूद की इस किस्म को विकसित किया है। आम्रपाली आम के दशहरी यानी नीलम क्रॉस से विकसित की हुई किस्म है। कंचन का उन्नयन किस्म है, तो वह है आंवला। ठीक है, आंवला के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्म है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो होमी भाभा, स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और थॉमस मेरी। तो है स्वामीनाथन।
तो उसमें नेक्स्ट है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है? कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र, गोंडवाना तंत्र, धारवाड़ तंत्र। तो धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, सीसा, खनिज इत्यादि पाए जाते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भौमिकी सेल क्रमों में किसमें लोह लौह अयस्क का भंडार समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो वह है धारवाड़ क्रम। भारत में लोह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण शैल है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, जावर। तो जावर जो है, और जावर कहाँ, जावर जस्ता एवं जिंक सीसा में होता है। कोलार जो होता है वह सोना में होता है। मेसाबानी जो है, मेसाबानी में क्या होता है? मेसाबानी में तांबा और कालाहांडी में बॉक्साइट। तो आप सॉरी सॉरी फॉर सब डिस्टर्बेंस। तो चलिए फिर से मिलाते हैं। जावर जो है जस्ता एवं जिंक के लिए है, कोलार जो है वो गोल्ड के लिए है, कोलार जो है सोना के लिए है, और मोसाबानी किसके लिए? मोसाबानी तांबा के लिए है, कॉपर के लिए, और कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, संगमरमर क्या है? औसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, कायंत्री चट्टान या बलुआ पत्थर? तो वह है कायंत्री, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, शैल तंत्रों में कौन कोयला निचेयों का प्रमुख स्रोत है? तो धारवाड़, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। तो वह है गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला क्षेत्र में अधिकतर निचले गोंडवाना काल से संबंध है। देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। तालचीर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, वह है उड़ीसा का। तालचीर उड़ीसा महानदी पर है, और कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी पर, सिंगरौली सोन घाटी पर, और सिंगरैनी गोदावरी घाटी पर है। 85 के नंबर का क्वेश्चन है, राजमहल झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, और रानीगंज उड़ीसा। तो रानीगंज उड़ीसा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में है, बाकी सब मिला हुआ है। तो राजमहल झारखंड में, सुहागपुर मध्य प्रदेश में, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? असम में बरौनी तेल शोधन केंद्र है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन है, तो ये गलत है, और महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन, सॉरी मिलान सही देखना है, तो दूसरा सही है, ये असम वाला गलत है, और महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र है ये गलत है, गुजरात मधुरा तेल शोधन ये भी गलत है। तो 86 में हो जाएगा, तेल शोधन इकाई राज्य है। बरौनी तेल शोधन बिहार में है, विशाखापत्तनम तेल शोधन आंध्र प्रदेश में है, मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है 87, कंपनी है और स्थापित वर्ष वर्ष है। तो बीपी बीपीसीएल बीपीसीएल कब स्थापित हुआ था? तो बीपीसीएल स्थापित हुआ था 2011 में, और ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका नाम क्या है? आईओसीएल 1901 में, और आईओसीएल जो है आईओसीएल 1965, तो 1964 दिया है, तो 65 नियर अबाउट मान सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बी जो है ठीक है, भी मतलब 2001 में टोटी पाका आंध्र प्रदेश में हुआ था ONGC का, बाकी सब सुमेलित है, मतलब ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं थे, मैंने क्रॉस कर दिया। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, BPCL 2011, ONGC 2001, IOCL 1901, IOCL जो है 1965 में, कोयला गुजरात वाला, असम वाला। और 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है? मुकुम कोयला, डल्ली राजहरा कोयला अयस्क, और कोरापुट बॉक्साइट, और चित्रदुर्ग जिप्सम। तो ये चित्रदुर्ग जिप्सम के लिए नहीं है, चित्रदुर्ग है मैग्नीज के लिए। तो 89 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सही है? उकाई गुजरात, तो उकाई गुजरात में है, ये सही है। बाकी पतरातू कहाँ पर है? ये झारखंड में है, तो यहाँ पर मिला सकते हैं। और पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, और डोभाल जो है, डोभाल है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए, उकाई मिला है बस। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम, इरिडियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन में थोरियम है। भारत में पुलिन बालू में उपस्थित मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, पावर सेंटर और नाभिकीय संयंत्र है, तो कौन सा सही है इसमें सा? तो गुजरात का काकरा पार नाभिकीय संयंत्र सुमेलित है, बाकी से सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं सुमेलित क्या है। तो कोटा जो है रावत भाटा में है, नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में, काकरा पार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है, नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है, मीठी विरधि परमाणु संयंत्र गुजरात में है। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भिलाई
भिलाई जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और केला उड़ीसा, सब सही है। 93 है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक के संयुक्त उपक्रम है? तो भिलाई जो है रूस का है, रूस ने भलाई करा। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की में की गई। एक वर्ष 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बालको रायपुर ये सम्मिलित नहीं है। तो बालको जो है, बालको रायपुर ये जो है सम्मिलित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में हिंडलावा पीपरी, और ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान कोरबा में है, और हिंडलाको पीपरी जो है ये तो सुमेलित है, नालको भुवनेश्वर और SCL खेतरी में है, सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बालको छत्तीसगढ़, हिंडालको जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिले में पीपरी गांव, और नालको भुवनेश्वर उड़ीसा, और SCL खेतड़ी राजस्थान। 95, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? मोर मुगाव गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में, आंध्रा आंध्र प्रदेश में। तो मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है। मुंद्रा कहाँ पे है? तो मुंद्रा गुजरात में है। तो यहाँ पर दिया है बंदरगाह है, राज्य है, मोर मुगावा गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में, मुंद्रा गुजरात में, उलेपी केरल में, एन्नोर तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशेष उदाहरण है? पोरबंदर, हल्दिया, पणजी और विशाखापत्तनम। तो वह है हल्दिया, बाह्य पत्तन का उदाहरण है। तो बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। कोलकाता में लगभग 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। 97 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, कारिकल और रत्नागिरी। तो कारिकल, दमन, जंजीरा, रत्नागिरी की उपस्थिति भारत के पश्चिमी तट पर है, जबकि कारिकल भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 98 है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है? नागपुर, बिलासपुर, हैदराबाद, कोलकाता। तो कोलकाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे है कोलकाता में, पूर्वी तटीय रेलवे है भुवनेश्वर में, उत्तर पूर्वी रेलवे है गोरखपुर में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। 99 है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, दिल्ली। तो काटते हैं कहाँ पर? झांसी में, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में है। तो संस्थान है, केंद्र है, राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में है, केंद्रीय पोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये है लखनऊ में, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो इस तरह से क्वेश्चन 100 100 आपके कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।